हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि रिकवरी एजेंट के बारे में ही आज हम बात करेंगे। कौन है रिकवरी एजेंट, उसका क्या फंक्शन है, क्या कर सकता है, क्योंकि लोन का जो 90% हिस्सा आफ्टर ईएमआई, मतलब आप अगर ईएमआई देने में कुछ चूक हो जाता है आपसे या फॉल्ट हो जाता है, आप टाइम पे ईएमआई पे नहीं कर सक रहे हैं किसी भी मतलब कारण रीज़न के चलते, या आप आने वाले टाइम में आपका ऐसा दिन ना आए कि आपको ईएमआई फेल हो जाए आपका, तब जो फर्स्ट जो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाएगा वो है रिकवरी एजेंट। कौन है ये रिकवरी एजेंट, कौन है ये कलेक्शन एजेंट, तो चलिए शुरू करते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि क्या ये कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या इसका रूल्स है और क्या इसका रूल्स का खिलाफ जाके एक लोग क्या क्या काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आफ्टर लोन ईएमआई बाउंस, मतलब लोन ईएमआई बाउंस होने के बाद ये लोग आपको कॉल करते हैं। कुछ लोग आपको जैसे फ़ोन करता है, हेलो आप ये बोल रहे हैं, मैं इस बैंक का तरफ से बोल रहा हूँ, आपने ईएमआई क्यों पे नहीं किया। इसी स्टाइल से ये लोग शुरू करते हैं। ये है कॉल सेंटर वाले रिकवरी लोग। तो तब आप क्या करते हैं, फ़ोन रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद बोलते हैं कि ज़्यादातर मैंने जो सब केस देखा है, हाँ मैडम बोलिए, हाँ सर बोलिए, हाँ मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, आप 20 तारीख को आइए, हम देखता है। फिर ये लोग हावी हो जाता है, क्योंकि ये लोग अगर कॉल करते हैं आपको और आप उस कॉल से मतलब राज़ी होके किसी भी एजेंट के हाथों में पैसा देते हैं तो उन लोगों का भी एक हिस्सा होता है। मान लीजिए आपका 5,000 रुपया ईएमआई है, आपने 2,000 रुपया दे दिया किसी के हाथ में, गोटा पर फुल ईएमआई नहीं दिया, पार्ट पेमेंट किया, तो इनमें से तो कमीशन को मतलब जो आएगा कलेक्शन एजेंट उसका भी कमीशन इसमें होगा, बैंक का फाइन होगा। तो पूरा 2,000 रुपया आपने दिया, ये पूरा आपका लोन अकाउंट में जमा नहीं होगा, ये बात आप जान लीजिए। आपने ऐसा मत बिल्कुल मत सोचिए कि 2,000 रुपया दिया और 2,000 रुपया ही आपके मतलब लोन अकाउंट में जमा हो गया और आपका लोन जो था 10 लाख रुपया का वो 2,000 रुपया घट गया, ऐसा नहीं होता है। आप 2-3 महीना ऐसा देने के बाद अगर आप लोन का स्टेटमेंट मंगाएंगे बैंक से तो देखेंगे कि आपका 10 लाख रुपया का लोन 10,25,000 हो गया। तो पता नहीं आप लोगों को किन किन के साथ ये सब मतलब घटना हो चुका है। मेरा तो बहुत जैसे देखता हूँ कि लोन था 10 लाख रुपया का, एक साल दे दिया, उसके बाद 2-4 महीना कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद उसका लोन अभी दिखा रहा है कि 10.5 लाख रुपया अभी भी बैंक मतलब उसको चार्ज करता है। कुछ भी घटा नहीं है, कुछ भी घटता नहीं है। ज़्यादातर तो पहले इंटरेस्ट ही काट लेता है, उसके बाद भी बचा कुछ अमाउंट जब पार्ट पेमेंट करते हैं तो बाउंस चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज लगा के वो बढ़ा देता है। और एग्रीमेंट में शायद इसका जिक्र भी वो लोग करते हैं, आप तो पढ़ते नहीं हैं एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का कॉपी नहीं मंगवाते हैं, उसको स्टार्ट ही नहीं करते तो कैसे चलेगा। वो लोग तो मतलब जैसे तैसे हो सके आपका पैसा मतलब बाकी खाता जैसा होता है ऐसा लिखता रहता है और उसको बढ़ाता रहता है, और उसमें सोने का सुहागा जैसा काम करता है हमारे रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट एक्चुअली होता है, उसका जो पर्पस के लिए उसको मतलब यूज़ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, वो है कि वो एक संदेश वाहक होता है, एक दूत होता है, मतलब बैंक और आपका बीच में। वो लोग बैंक का तो हर आदमी का ऐसा मतलब टाइम नहीं होगा कि कितना लोग बाउंस करेगा उनके पास जा घर जाके उसको इन्फॉर्म करने का, फ़ोन पे तो करता ही है। फिर जिन लोगों को भेजता है ये भाड़े के टट्टू, इन लोगों को रिकवरी एजेंट बोलता है। ये लोग बैंक ऐसा टैक्टिस करता है कि इन लोगों को डायरेक्ट पेरोल में मैक्सिमम मैंने देखा है कि नहीं रखता है, ये थर्ड पार्टी किसी कंपनी का अंडर में होता है, और इन लोगों का बैंक का आई कार्ड भी नहीं होता है। बैंक का आई कार्ड बैंक जानबूझ के इन लोगों को नहीं देता है, क्योंकि अगर जैसा मतलब लॉ है वैसा अगर ये एक्ट करे तो कस्टमर के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं बनेगा। RBI का जैसा लॉ है, मतलब कस्टमर को एकदम पोलाइट से बोलना है कि सर आपका इस महीने में क्या दिक्कत है, हमको थोड़ा बताइए, हम बैंक की तरफ से आए हैं, हम आपका मदद करने के लिए आए हैं, ऐसा बात वो बोल के बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं करता। वो आते ही गुंडागर्दी पर उतर आता है, पेमेंट दीजिए, क्यों नहीं दिया, बस चालू हो गया उसका रामायण। तो मतलब आप इससे मत डरिए। और बैंक जो करता है इन लोगों को आई कार्ड नहीं देता है, क्योंकि अगर आई कार्ड गले में लटका के आपके साथ बदतमीजी करता है और वो आप रिकॉर्ड कर लेता है, आप एविडेंस कलेक्ट कर लेता है, तो बैंक का बहुत नुकसान हो जाएगा। आपका क्या ईएमआई है, 10,000, 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, बैंक का मतलब ऊपर अगर ऐसा केस बन जाए ना तो उन लोगों का बहुत फाइन हो जाएगा।
तो इसीलिए जानबूझ के प्रेशर बनाने के लिए कस्टमर के ऊपर रूल का बाहर जाने के लिए ही जानबूझ के इन लोगों का आई कार्ड नहीं देता है। और ये लोग कैसे जब पूछेंगे आपके आपका आई कार्ड का है, तो ये लोग का बहाने का मतलब नया नया एंगल है। ये क्या क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ, मैं तो बहुत देखा है। ये बोलता है मेरा तो अभी नया ज्वाइनिंग है, मैं तो परसों ही ज्वाइन किया हूँ, मेरा आई कार्ड अभी नहीं है, अब पैसा दीजिए। सिर्फ घूम फिर के वही जगह पे आएगा ताकि उसका कमीशन आन हो सके। तो और एक बात बोला है कि नहीं, मेरे साथ आई कार्ड ढूंढने से दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो कलेक्शन का मनी रहेगा, मैं रास्ते में जाऊंगा तो चोर डकैत मुझसे मेरा आई कार्ड देख के पता चल जाएगा उन लोगों को कि मेरे पास पैसा है तो छीन लेंगे। अरे भाई, तो तुम रास्ते में क्यों गले में लटक के चलोगे ना, तुम कस्टमर के सामने शो करो ना आई कार्ड, गले में लटका के कस्टमर के सामने बात करो ना, क्या प्रॉब्लम है। तो बैंक जानबूझ के लोगों को भरे के टट्टू को रखते हैं ताकि प्रेशर बना पाए, मस्तानी कर सके, गुंडागर्दी कर सके, गाली गलौज कर सके, हैरस कर सके। ये सब काम ये लोग करता है ताकि आपके ऊपर बहुत एक प्रेशर हो जाए, मेंटल प्रेशर, और प्रेशर के चलते, बदनामी के चलते आप लोग या सुसाइड कर ले या आप उसका पैसा दे दें। ये इसी रास्ते का पथिक है, इसी रास्ते में ये लोग चलता है। ये भूल जाते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ करने के लिए ना तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया है, ना आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दिया है। ये एक मतलब खुद को शेर समझ के कस्टमर को मतलब जो कुछ मन में आता है बोलता रहता है। मैंने तो एक कस्टमर का ऐसा ही देखा था कि रात 3 बजे तक उसका घर का ऊपर मतलब सामने बैठा रहा था, रात 3 बजे तक। तो ये लोग क्यों ऐसा करता है? ये लोग का करने का एक ही मकसद है, ये जब ऑफिस आपका पैसा कलेक्ट करके जाएगा ना, तो इसका तो कमीशन तो मिलेगा, वो अलग ऑफिस में इसका वाहवाही होगा, इसका शाबाशी मिलेगा, गब्बर उनको शाबाशी देगा। तो ये शाबाशी के चक्कर में अपना नाम, अपना करिश्मा ये दिखा चुका, कस्टमर को जैसे तैसे करके डरा के धमका के पैसा लाने का इसके अंदर कैपेबिलिटी है, इसके अंदर क्षमता है, ये एक सिंघम है, ऐसा शो होगा, एक फिल्मी टाइप का हीरो लुक आएगा इसका ऑफिस में। इसके ऊपर सब बात करेंगे कि देखो, जिन लोगों से बैंक भी पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया, मेरा ये शेयर जाएगा और जैसे तैसे करके हैरास करके इन लोगों से पैसा लेके आएगा। तो इसी टाइप का एक कल्चर इन लोगों का बीच में ग्रो करते जा रहा है, जो एक आम आदमी के लिए बहुत ही मतलब दुखद है और एकदम ही मतलब वांटेड नहीं है। तो रूल का खिलाफ तो है ही। तो इसलिए मैं इन लोगों के बारे में मतलब वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ये लोग फेस करता है, ये लोग गाली गलौज करता है, ये लोग आपको धमकी देता है, ये लोग एक ही बात, इसका भी और भी मतलब हैबिट है, ये एक ही बात बार बार करेगा। मान लीजिए कि आपने एक लेटर दिया है, आप उनको बताएं कि देखो भाई, मैंने बैंक को लेटर दिया है, ये तकलीफ है, बैंक मतलब ये कर रहा है, मेरा ये प्रोसेस चल रहा है, तो तुम अब मिडिल मैन हो के क्या काम तुम्हारा। तब भी ये लोग नहीं सुनते हैं, ये लोग आपको बोलेंगे मैं पुलिस बोल रहा हूँ, मैं और कॉल करके ट्रू कॉलर में तो नाम उल्टा पुल्टा से भी कर लेता है, थाने से बोल रहा हूँ, पुलिस बोल रहा हूँ, जज बोल रहा हूँ, एडवोकेट बोल रहा हूँ, ये सब करके सिर्फ मेंटल और सिर्फ मेंटल टॉर्चर। तो लकीली एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जिस मतलब आदमी को मैंने एक बार फ़ोन किया है, मेरा कस्टमर को तंग कर रहा था कलेक्शन एजेंट, तो दूसरा बार वो नहीं आया, क्योंकि उसको पता चल गया कि यह जाने से नौकरी तो जाएगा ही जाएगा और कस्टमर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है और इनके साथ सब इसको पता है, जागरूक कस्टमर है, तो डर के मारे वो लोग यार नहीं आता है, एक अच्छा बात है। और कस्टमर से बुरा व्यवहार करने से पहले भी 10 बार सोचता है, ये भी मेरा वीडियो में आप देख ही चुके होंगे कि कैसे कैसे मैंने कुछ वीडियो एग्जाम्पल में भी है कि कैसे कैसे मतलब बात करते हैं, क्या क्या आपका इफेक्ट होता है, रिएक्शन इफेक्ट होता है वो एजेंट के ऊपर, रिकवरी एजेंट के ऊपर, मेरा वीडियो में है। तो आप उसका मेन एक ही चीज़ होता है कि आपका इज्जत का मतलब धजिया उड़ा के वो आपसे पैसा लेगा। अगर इज्जत का धजिया उड़ ही चुका है तो उसका भी आप मतलब स्टेप लीजिए, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रिकवरी एजेंट। वो आइए, सब कुछ आप रिकॉर्ड कीजिए, आपका एविडेंस स्ट्रांग होगा, उसका आई कार्ड बिना उससे बात मत कीजिए। विदाउट आई कार्ड वो जो भी एक्सक्यूज दे आप मत सुनिए, क्यों सुनेंगे? विदाउट आई कार्ड मान लीजिए आपको पेमेंट कर दिया, वो जमा नहीं किया, फिर बैंक ही बोलेगा कि किसको पेमेंट किया, आप ऐसे ही कोई आएगा पेमेंट कर देंगे? तो इन लोगों से बचे रहिए, सावधान रहिए और जागरूक बनिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स।